मैं पागल साबित करना चाहते हैं, इस करके मेंटल हॉस्पिटल गई सी। मैं 60,000 महीना ला मैं कोठी दे। जायदाद का मसला है, जायदाद का मसला है। मुंडे नु मारिया कुटी है, जिस घर आई है सुनवाई होंदी है, मर्दां दी सुनवाई नहीं होंदी। मर्द जन्म ले लिया कि मैनूं इंसान मार ही दिओ तुसीं लोक। परिवार ने महिला ते नाल ये लोग ने जड़े के नज़र आ रहे ने, अमृतसर दी तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं। तो यह तस्वीर देख सकते जे कि तो यह पति और पत्नी है, दोनों जने महिला वालों कहा जा रहा कि मैनू घर ले जाया जाए, पर की इन्हों का हैगा मसला, पुलिस वालों जल्द तो जल्द जांच की जाए तो सच्चाई की वो सामने लिया जाए, क्योंकि महिला कह रही है मैं अपने बच्चे तो बिना रह नहीं सकती, पर पति कह रहा कि इन्हें बच्चे नू मार देना है, इस करके मैं इनू घर नहीं लैके जा रही। तो अमृतसर की यह खास तस्वीर, अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल के बाहर असं मौजूद हाँ, जिते कि यह जड़ी घटना हो रही है। हम देखते हैं कि पुलिस वालों की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल की कड़ी अमृतसर के मजीठा रोड गुरु नानक देव हस्पताल के बिल्कुल नज़दीक जिहड़ा थाना है उत्थे मौजूद है, जिथे कि परिवार इत्थे आपस में फैसले में आए सन। तो देख सकते हो दोस्तों, अक्सर ही पति पत्नी दे विच झगड़े तुसीं देखे होने, पर झगड़ा उदो झगड़ा नहीं रहिंदा जो थाणियां दे विच पहुंच जांदा। तां इस वक्त यह महिला जिहड़ी तुसीं देख रहे जे रोंदी बिखलौंदी जिहड़ी महिला थाने दे बाहर खड़ी है, इहदे वल्लों मंग की जा रही कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए, पर इंसाफ मंगिया किस चीज़ का जाता पिया, आखिर झगड़ा क्यों हो रहा है? इस महिला के नाल असीं गलबात करके जानते हाँ। तुहाडा नाम की है, कित्थों दे रहिण वाले हो? मेरा नाम दिव्या तालवार है। मैं 3 महीने हो गए अपने प्यो घर आके बैठी हुई हाँ। धमकिया मैं दिता मेरा घर वाला, जे तू घर वापस आई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सबको माफ़ी मांग ली है। ACP के सामने भी पेश हो गई हाँ, ACP रजविंदर कौर, मेंटल हॉस्पिटल भी हो गई हाँ, SHO रजविंदर कौर। हॉस्पिटल क्यों गए? ए मैं पागल साबित करना चाहते हैं, इस करके मेंटल हॉस्पिटल गई सी। जो काउंसलिंग कराते पे है, जो 12 साल काम करती सी ते मेरे वर्गी कोई नूह नहीं सी रही। मैं MA पढ़ी, गवर्नमेंट कॉलेज से टॉपर, तो मैं पागल साबित करते पे है। मेरी किसी पासे सुनवाई नहीं की। मेरे प्यो तो मेरे भरा धमकिया देंदे पे है। सर मेरी फरियाद सुनो, मेरे भरा मेरे प्यो मारन की कोशिश करते पे है। असी 2 जने 40 बंदे, दसो कितों का इंसाफ है? मैं कितने जावा? बंदे वाला की काम है? मेरे को मेरे गौरव ठाकुर कौन लगता है मेरे बीच में? इन्होंने पैसे चढ़ाए हैं, इन्हें मतलब औरत की कोई सुनवाई नहीं की। मेरे को पैसा नहीं गा, इन्हों को पैसा गा मुंडे वाले को, यह पोलिटिकल प्रेशर पाते पे है। और कोई कुड़ी नहीं है, अपनी कुड़ी का ब्याह किया। क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पेके नहीं रहा पाया, कहना मम्मी मैं पापा के ना लेना है। तो मैं कहनी पी मैं इतने आना वै, तो मैं अंदर नहीं वाड़ता पाया। सवेर दे मैं बैठी हो
हुई अपने घर के बाहर देखो कितों का इंसाफ है मैं कितों जावा मारकुट भी की जाती होंगी हाँ जी हाँ जी 12 साल जो मेरा बच्चा मेरे पेट च सी मेरा घरवाला मेरे पेट च लत्त मारदा हुंदा सी ए 3 महीने होए है जो 3 महीने इन्नी हद तक गल पहुँचती क्यों बई कारण क्यों की है की कारण यही कारण है कि मैं वसाना वसाना नहीं चाहते मैं यही कह तीनों चाहते हैं कि तीनों से सब कुछ हड़प लिए क्योंकि मेरी सोरी संपत्ति बहुत ज़्यादा आ गई है दो कोठियाँ में दो कारा में इन्ना गहना मेरी मेरी सस को ते ए, गौरिका तालवार मेरी जठानी ते मेरा जेठ विक्रांत तालवार ते राघव तालवार ए तीनों इकट्ठे हो गए हैं मैनू बाहर कढ़ना चाहते हैं सारी संपत्ति जायदाद का हाँ जी जायदाद का मसला है जायदाद का मसला है मैनू घर नहीं वसाते पे इन्ना सोना है मेरी सस को इन्ना सोना दो कोठियां दो कारा एक ऑफिस एक एक ऑफिस मेरा जरा प्यो का ऑफिस ना सोरे का उत्थे मेरा जेठ बह गया है मेरे घर च मैनू कहंदे पे तेरा इस घर च कोई हक नहीं गा जड़े मेरे मेरे कमरे है ना थले और ओ मेरे भतीजे नू देता है मैनू ते मेरे घरवाले नू ते मेरे बच्चे नू कुछ नहीं दिता ते मैनू मेरी जठानी कहंदी है कि तेरा इस घर च कोई हक नहीं गा हाले डाइवोर्स नहीं होया सर सुनो सर हाले डाइवोर्स नहीं होया कोई केस नहीं पाया जे तू जे मैं दो नुआ में जे मैं घरों बाहर रहनी पी हाँ तो तू किस हक ना रहनी पी है तू कौन होनी है मैं कहने वाली कि तू इंसाफ है दोनों नुआ दो अखा होंगे दोनों नुआ ना बराबर होना चाहिए वा 12 साल हो गए है अच्छा उस नौजवान की भी एक बार इंटरव्यू असं कर लिए पूछ लिए जरा कि की होया तो उसका पति भी इतने मौजूद आ उन्होंने भी असी जरूर गलबात करके देखते हैं इस वेल दूसरी फैमिली जी इतने नज़र आ रही है दूसरी फैमिली है तो उन्होंने असी गलबात करके देखते हैं कि होया की है कारण की है सर होया की सर ता मैटर जरा थाने तक पहुँच गया भाजी मैटर यही है मेरा नाम राघव तलवार है भाजी 12 साल मेरे ब्याह में हो गए है तो 12 साल चो औरत मैं जीने दे रही ए नहीं गा कि मैं मतलब हर समाज औरतों की सुनवाई होंगी है तो मर्द की सुनवाई नहीं होंगी मर्द यह है ना मर्द जन्म ले लिया कि मैं इंसान मार ही दियो तुम लोग ये माँ बाप जिंदा सी उदों घर कलेश पाते ही महल वाले समझाते ही गल खत्म हो जाती सी माँ बाप मरे है तो तारे घर कलेश पाते है मैं 60,000 महीना ला मैं अद्धी कोठी दे 1,000 रुपया भी नहीं देंगे मैं 1,000 रुपया तरले लाके मंगने पता मैं भाजी उन्होंने कहने की होंगे बस वही असं ता पक्ष ही जानना चाहते हैं कि उन्होंने वालों दस दिता गया ये उत्ते जा भाजी दुनिया की हर चीज़ मैं लैके देना जे मैं परसन हर चीज़ लाव मैं 2,000 रुपये महीना परसन खर्चा देना वा तो मैं भाजी की माड़ा करना वा मैं तुम दसो मुंडे ने कलेश किए हैं मुंडे ने मारिया कुटे है जिस दिन घर आई है मुंडे ने ना लिया ने कोशिश की मुंडा ना नहीं गया 3 मिनट से मुंडा मेरे को रह रहा है वो अपनी माँ को जाने तैयार नहीं गा 4 दिन पहले मैंने फोन आया कि मैंने मुंडा भेज दियो मेरी ममता बच्चे खेडते पे मैं दिल करता बच्चे ने मिलन से मैं भेज दिना मैं तो हर हफ्ते भेजना बच्चे बच्चा एक दिन बाद मेरे को वापस आ जाता अगों कहें मैं मुंडा वापस नहीं भेजना हूँ तो मुंडे ने मैंने फोन रिकॉर्डिंग कहें मैं ना बहुत मैंने किया ना जान वास्ते अपने प्यो को तेरा मैं खून कर देना ही तेन मैं जानों मार देना ही दसो भाई करी माँ अपने बच्चे नहीं गल कह गुस्से कंट्रोल नहीं गया तुम की बोलते थोड़ा पता नहीं लगता तुम ट्रीटमेंट कराओ फिर आप फैसला करा ट्रीटमेंट करा मैं जाना दवाइया के खर्चे के पैसे मैं दिना इलाज सारा मैं कराना पाया वा उ मैडम ने कहा जब तक इलाज होएगा तू अपने मायके रहेंगी मेरे घर भाजी आवे मेरे घर कुछ कर ले अपने आप में जिम्मेवार कौन है मैंने कौन जिम्मेवार दिता मैं कितने जाव भाजी पर हल की असं सोच के बैठे क्योंकि फैमिली मैटर है सड़क के उत्ते आ गया की हल की सोच दी भाजी हूँ जरा मैटर उ अपने कपड़े पाल लेंदी है बच्चे मार दी है बच्चा कोई जाने तैयार नहीं है
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਵੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਰਾਂ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਾਗਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ